Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm Pooja Singhania and आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आपका है कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, ये जो चैप्टर है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका जो पार्ट वन है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको सारा थ्योरी डिस्कस किया है कि कंसाइनमेंट क्या होता है. एंड मेनली आपको इस चैप्टर में फोकस करना है प्रैक्टिकल सम्स पे, जिसका मैंने फॉर्मेट आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है. आपने अगर नहीं देखा तो आप पार्ट वन इसका देख लीजिएगा, फिर पार्ट टू आप देखना. ओके, तो फर्स्ट वीडियो में आपने थ्योरी सीखा, फॉर्मेट सीखा. मैंने आपको कहा था कि जो सेकेंड वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊंगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इसके क्वेश्चन. मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी इसका, जिससे आपने थ्योरी तो कर ली होगी लेकिन आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से और भी समझ आएगा. तो आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट पार्ट आपने देखा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट का, कि कंसाइनर में क्या होता है, कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनर आपका प्रिंसिपल होता है एंड कंसाइनी एजेंट. हम चाहते हैं मेरा बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरे को कोलकाता में सेल करते हैं, मैं चाहती हूँ एक्सपेंड करूँ, ये मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में, तो मैं अपने एजेंट को हायर करती हूँ, तो वो हमारा होता है कंसाइनी. चैप्टर हमारा पूरा कंसाइनिंग, वो हमारा बिहाफ में क्यों सेल करेगा, बिकॉज एजेंट है, हम उसको कमीशन देंगे. ये सीखा है ना हमने पार्ट वन में. तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कंसाइनमेंट का, नहीं हमने फर्स्ट वीडियो में कंसाइनमेंट का फॉर्मेट सीखा था, आपको देखा देखा लग रहा होगा. फिर हमने इसका जर्नल भी किया है, फिर हम इसका आप क्या करने वाले हैं, हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन. ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंसाइनमेंट के क्वेश्चन की ओर. आप भी मेरे साथ देखते रहिएगा और चाहे तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप सम भी स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ. ऑन फर्स्ट जनवरी गुंसरियर एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, गुंसरियर एंड कंपनी आपका क्या है, गुंसरियर एंड कंपनी आपका कंसाइनर है, ये आपका प्रिंसिपल है. उसने क्या क्या गुड कंसाइन किया, कितना, 50 केसेस. आप ऐसे सोच सकते हो 15 केसेस को 15 यूनिट्स, किसका, ग्लासवेयर, कोई चीज है ग्लास की जिसका दाम है 40,000, ये टोटल अमाउंट आपको दिया है 50 यूनिट्स केसेस टोटल का आपको कितना दिया 40,000. और इसने किसको सेंड किया है, सिंह एंड कंपनी. सिंह एंड कंपनी कौन हुई, एजेंट हुई. ओके, कलकत्ता की गई है, ऑब्वियसली तो ऐसे नहीं करेगी. मैंने तो आपको पहले ही कहा कि क्यों सेल करेगा एजेंट, बिकॉज उसे क्या मिल रहा है, कमीशन 5% ऑन द गुड ग्रॉस सेल प्राइस. ये जितना भी सेल करेगा उसका 5% उसे क्या दोगे, कमीशन दोगे. गुंसरियर एंड कंपनी क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर जो प्रिंसिपल जब खुद कोई खर्चा करता है, लाइक आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल जो भी खर्चा करता है वो तो खुद से जा रहा है ना, आप कैश या बैंक लिखोगे उसमें, लेकिन कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है ये भी मैंने बताया था, वो आपसे क्या करता है, रिकवर करता है खुद खर्चा करने के बाद, बिकॉज वो तो एक एजेंट है ना, वो क्यों करेगा आपका खर्चा, है ना, तो वो कर देगा खर्चा जब सेल करेगा गुड्स को, लेकिन वो आपसे क्या कर लेगा, वो रिकवर कर लेगा. तो वैसे यहाँ पे वह आपसे ले लेगा वो. तो गुंसरियर एंड कंपनी ने क्या क्या पे किया, 500 फ्रेट का किया और कैरिज का किया 600 फॉर पैकेजिंग, फ्रेट एंड कैरिज का 500 और 600 पैकिंग के लिए. ठीक है, सिंह एंड कंपनी टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन 5 जनवरी. सिंह एंड कंपनी ने डिलीवरी ऑफ द गुड, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स का भेजा 5 जनवरी को 2021 को, और जो आपका कंसाइनी है सिंह एंड कंपनी, उसने क्लियर कराया होगा गुड्स को, तो उसको 300 खर्चा लगा, 200 और भी कोई भाड़े का कैरेज का लगा, एंड 50 रुपीज मिसलेनियस छोटे मोटे कुछ खर्चे लगे होंगे, और उसने 100 रुपीज गोडाउन को, मतलब गुड्स को रखने के लिए, रखना भी तो पड़ेगा ना, गोडाउन का रेंट दिया 100 रुपीज. दे सोल्ड 15 केसेस, उसे 15 केसेस सोल्ड किया, किसने, सिंह एंड कंपनी को, एजेंट को. आपने किस लिए भेजा है, गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसने कितना सेल किया है गुड्स, गुड्स ने कितना सेल किया आपका, आपका सेल हुआ है गुड्स 1000 ईच, 1000 ईच, 15 आपने केसेस सोल्ड किए 1000 ईच के, एंड 25 केसेस आपने सोल्ड किए हैं 1200 के, एंड 10 केसेस हुए हैं 1100 के. तो आप क्या करोगे, इसे टोटल कर लोगे, कैसे टोटल करेंगे हम, 15 केसेस 1000 के मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 केसेस 1200 के, एंड 10 केसेस है आपके 1100, आप इसको टोटल ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो आपका टोटल ग्रॉस सेल्स आ जाएगा. और आपने क्या पढ़ा था कि कमीशन कितने पे मिलेगा आपको, आपको 5% ग्रॉस सेल्स पे मिलेगा, तो टोटल करके आपका जो अमाउंट आएगा आपका कमीशन उसी पे आपको मिलेगा. ठीक है ना, उसके बाद देखिए ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 सिंह एंड कंपनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट. ऑब्वियस बात है, मैंने आपको क्या कहा था,
ऑब्वियसली जब एजेंट आपके बिहाफ में सेल करेगा तो जो पैसे आएंगे वो तो आपको ही देगा ना, आप उसको कमीशन दोगे वो अलग बात हो गई है, लेकिन सेल करके जो अमाउंट आएगा वो आपको देगा। तो आप क्या करोगे, गुड्स को आप उसको बैंक ड्राफ्ट सेंड करोगे, किसको, गुड्सलेन एंड कंपनी को, ठीक है ना। 15,000 रुपीज का आप क्या करोगे, बैंक ड्राफ्ट सेंड करोगे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, नहीं आप एजेंट जो है वो गुड्सलेन एंड कंपनी को सेंड करेगा, ओके। अकाउंट सेल्स कितना, मतलब बैंक ड्राफ्ट कितना सेंड किया उसने, 15,000 टू गुड्सलेन एंड कंपनी, मतलब एजेंट ने प्रिंसिपल को, ठीक है। फिर 1 अप्रैल को क्या हुआ, 21 में सिंह एंड कंपनी जो है ना उसने क्या किया, सारा इन्फॉर्मेशन तो देगा ना आपका एजेंट, आपको कितना सेल हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बैंक ड्राफ्ट भी 15,000 का दे दिया आपके एजेंट ने, और जो बैलेंस अमाउंट बच गया होगा ना, जब उसने सारा हिसाब लगा के दिया, सारा टोटल करके दिया, तो आपका जो बैलेंस ड्यू हो गया उसके बिहाफ में आपके एजेंट ने आपको क्या कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको पता नहीं है तब जान लीजिए, जस्ट एक चेक टाइप का समझ लीजिए। एग्जाम्पल जैसे उसने क्या किया, जो बैलेंस पोर्शन बचा होगा उसके आपने क्या, उसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेजर्स प्रिपेयर करने हैं। आपने अगर फर्स्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें डिस्कस किया है आपको कि कैसे आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कैसे आपको कंसाइनी अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट में होंगे, बिकॉज ये आपका क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है जिसमें एक्सपेंस डेबिट होते हैं और आपके जो भी इनकम होते हैं वो होते हैं क्रेडिट, ओके। तो देखिए, जो सिंह एंड कंपनी आपने सेल नहीं किया, सिंह एंड कंपनी आपके बिहाफ में सेल किया, तो कंसाइनी का नाम आएगा, नीचे सेल्स लिखा हुआ है, तो ये आपका इनकम हो गया, रेवेन्यू आपका, तो क्रेडिट में आ गया 56,000। आप उसको इन सारे को ऐड करोगे तो आपका यही अमाउंट आने वाला, आप भी देख लीजिएगा एक बार। आपने गुड, मैंने बताया था खर्चा है ना, आप ऐसे सोच सकते हो गुड सेल ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में क्यों आएगा, ये 40,000 स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था, 40,000 क्यों आएगा, मैंने आपको कहा भी था। आप ऐसे सोच लीजिए, जब आप सेल आप सेंड कर रहे हो एजेंट को गुड सेल ऑन कंसाइनमेंट, तब आपको भी तो परचेज करना पड़ा होगा, फिर तो आप सेंड करोगे, तो परचेज क्या आपका एक्सपेंस है, इसलिए आपने डेबिट में लिखा। और जो मैं खुद खर्चा करूंगी उसे मैं क्या लिखूंगी, बैंक, तो टू बैंक में मैंने लिखा फ्रेट और कैरेज 500, पैकिंग 600, टोटल मैंने खुद कितना खर्चा किया 1100, ओके। सिंह एंड कंपनी ने जो किया वो भी एक्सपेंस है, लेकिन मैंने खुद तो नहीं किया, इसलिए मैं कैश और बैंक नहीं लिखूंगी, मैं सिंह एंड कंपनी कंसाइनी का इनकम लिखूंगी, लेकिन उसने क्या क्या एक्सपेंस लिखा वो तो मुझे बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने लिख दिया क्लियरिंग चार्जेस 300, कैरेज 200, मिसलेनियस एक्सपेंस 50 और गोडाउन रेंट 100। तो आप इस सबको ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 650 रुपीज, ओके। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कमीशन मैंने आपको क्या कहा था, आप इसमें देखिए कमीशन लिखा हुआ था आपका 5% कमीशन, तो आप अगर इसमें 56,000 में 5% करोगे ना, तो आपका कमीशन यही आने वाला है 2800। ये भी क्या है आपका खर्चा, ये भी आपका खर्चा है ना, इसलिए आप इसको क्या लिख रहे हो, डेबिट में लिख रहे हो। आप सिंपल ऐसे लेजर करते वैसे आप टोटलिंग करोगे, और जहां पे शॉर्टफॉल होगा, कहां पे शॉर्टफॉल हो रहा है, डेबिट में, तो आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर। ये मैंने आपको पहले भी बताया और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए चीज, तो कि अगर बैलेंस जो हमारा जो शॉर्टफॉल आएगा वो डेबिट में अगर आया इसमें तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट में आया तो वो हमारा क्या होगा, लॉस। ये हमारा डेबिट में आया है इसलिए मैंने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ओके। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में को सिखाया है। कंसाइनी कौन है यहाँ पे, सिंह एंड कंपनी, तो सिंह एंड कंपनी कंसाइनी है, मैं उसका अकाउंट बना रही हूँ। तो उसका जब अकाउंट बनाओगे तो क्या है, फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, आपको पता होगा लेजर कैसे बनता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो तो सिंह एंड कंपनी का कंसाइनी का नाम लिख रहे हो, तो ये तो लेजर पोस्टिंग है ना आपकी, जहां पे ये लिख रहा अल्टरनेट, आप क्या करो, जाके कंसाइनी में पोस्टिंग कर दो कंसाइनमेंट लिख के, और जो और भी कुछ होगा जो कंसाइनमेंट में नहीं है, बहुत कुछ क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, तो वो आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कंसाइनी अकाउंट में आप क्या क्या लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए आप टू सिंह एंड कंपनी का एक्सपेंसेस, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, बाई कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंसेस 650 मर्ज करके। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कमीशन इसका 2800, तो वो डेबिट में है, तो ये इसका ऑपोजिट पोस्टिंग 2800 कमीशन हो गया। फिर आपका क्या हो गया, देखिए अभी कमीशन के बाद आपने बाई सिंह एंड कंपनी सेल्स लिखा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपका सेल्स ही है, यहाँ पे 56,000 क्रेडिट में था, वहां पे लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला हो गया आपका।
अब आपका क्या बच गया, देखिए जो आपको बैंक ड्राफ्ट मिला था ना, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो कंसाइनी है उसने आपको कितना दिया बैंक ड्राफ्ट, 15,000 रुपए के। तो आप मुझे बताइए, अगर कंसाइनी आपको बैंक ड्राफ्ट दे रहा है तो आपकी एंट्री क्या बन जाती है, जनरल एंट्री बन जाती है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट ऐसा आ रहा है, बैंक कंसाइनी से टू कंसाइनी। तो आप मुझे सोच के बताइए, यहाँ पे कहीं भी कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम आया नहीं आया, इसीलिए आप क्या करोगे, ये वाला कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं हुई है, इस आप क्या करोगे सिंह एंड कंपनी कंसाइनी अकाउंट में लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो बाई बैंक में क्या आ जाएगा, हमारा बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा। तो सिंपल आप इसको भी टोटल कर दीजिए और जो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अपना क्या लिखना है, बाई बिल रिसीवेबल, हर टाइम बिल रिसीवेबल नहीं लिखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो भी बैलेंस बच जाएगा वो आपको क्या करेगा, बीआर मतलब बिल रिसीवेबल इशू कर देगा। अगर आप सपोज आपको क्वेश्चन में ये बोल देता कि बैलेंस आपको चेक से पेमेंट हुआ है तो आप बीआर की जगह क्या लिखते, बैंक लिखते, ओके, और बोलता अभी तक सेटल किया ही नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो आप क्या लिखते इसमें, आप सीडी लिख देते, सीडी का मतलब इतना बच गया, कैरी फॉरवर्ड मतलब आपका इतना बचा हुआ है, सीडी लिख देते। लेकिन क्वेश्चन में चल के आपको बोल दिया गया है कि उसने बीआर इशू किया है, अब बीआर अगर इशू कर दिया तो आप जो बैलेंसिंग फिगर आओगे वो आप क्या करोगे, बीआर बिल रिसीवेबल आप लिख दोगे, ठीक है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट आपका लेजर जो है वो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बात देख लीजिएगा कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट जो है ये आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा था टू में, तो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो ऑपोजिट लेजर पोस्टिंग होगी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। और आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो भी आपका जो गुड से जो लास्ट में बच जाता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, तो आप अभी पर देख लीजिएगा जनरल आपको कराया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो आपने क्या किया इसको कहाँ भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने इसको भेज दिया है, ओके। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा थ्योरी समझा दिया था, नहीं आपने देखा तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसमें मैंने आपको जानबूझ के, बहुत इजी है ये, जानबूझ के मैंने स्पीड में आपको समझाया कि आपको समझ में ये आना चाहिए, ठीक है, आप एक बार दो बार तीन बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं समझ आया आपको तो, ठीक है ना। तो आप सिंपल इसमें मैंने जस्ट आपको, अगर लेजर आता है वो तो आपको नॉर्मल आना ही चाहिए, जो लेजर आप कर रहे हो जस्ट आप क्या कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, अगर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया उसमें जहां जहां कंसाइनी का नाम है वहां पे आप कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनमेंट लिख दीजिए ऑपोजिट एंट्री मतलब लेजर का। और कुछ कुछ चीजें जो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है वो मुझे सिर्फ कंसाइनी में लिखना होगा, आप कंसाइनी में लिख दीजिए। और जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये दो जो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप और भी इसकी प्रैक्टिस करिए, आपका सारा अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ओके। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहा, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।